फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर सभी किराना स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है जो कि कालाबाजारी कर रहे थे। मेडिकल स्टोर्स भी इसमें शामिल हैं। फरीदाबाद की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सरसाइज डिपार्टमेंट हरकत में आया है। लगातार कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही थी, जिसे देखकर जिले भर में मेडिकल स्टोर और किराना स्टोर वालों पर कार्रवाई की गई है जो कि कालाबाजारी कर रहे थे और मास्क सैनिटाइजर दोगुनी कीमत पर बेच रहे थे। ऐसे वक्त में जब एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, अपना घर भरने की कोशिश कर रहे हैं रेट पर। जबकि सरकार की ओर से यह कहा गया है कि अगर कोई करंट रेट पर आपको चीज मुहैया नहीं कराता है, नहीं देता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये देखिए कार्रवाई की गई है फरीदाबाद में। एक्सरसाइज डिपार्टमेंट ने छापा मारा है, कई मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा गया है, क्योंकि इस वक्त जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है मास्क और सैनिटाइजर, वो दोगुने दाम में बेचे जा रहे हैं। कालाबाजारी करने की कोशिश की जा रही है और लगातार सरकार इसी कालाबाजारी पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, और यही कारण है कि यह छापा मारा गया है। विनोद लांबा हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़ गए। विनोद, कहेंगे कि एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये लोग अपने घर भरने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सेल्स और एक्साइज डिपार्टमेंट हरकत में आया। जिस तरह से सैनिटाइजर और मास्क के जो रेट ज्यादा करके सेल किए जा रहे थे, उसको लेकर छापेमारी शुरू हो चुकी है। फरीदाबाद में तमाम मेडिकल स्टोर पर सेल्स और एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, लगातार छापेमारी कर रहे हैं और खुद ग्राहकों से पता कर रहे हैं कि आखिर एक मास्क की कीमत किस हिसाब से उन्हें दी गई है, किस मास्क पे बेचे जा रहे हैं। और इसके साथ ही ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि जो कंट्रोल रेट जो इशू किए जा चुके थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्या उन पर ये कार्रवाई उसके हिसाब से सही रेट पर सेल किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि फरीदाबाद प्रशासन और खासतौर से एक्साइज डिपार्टमेंट, जहां तक मेरी जानकारी है, पहली बार इसमें बड़े स्तर पर हरकत में आया है कि पूरे फरीदाबाद का राउंड अप करते हुए 3 से 4 मेडिकल स्टोर तो खुद हमने अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किए हैं कि किस तरह से 50 रुपए का भी नॉर्मल सा मास्क बेचा जा रहा था। और सेल्स एक्साइज डिपार्टमेंट के ईटीओ अधिकारी ने जब वहां जाकर छापा मारा, वहां जीएसटी नंबर भी लिया और साथ ही उस ग्राहक को, उस कस्टमर को पैसे भी वापस दिलाए। तो एक्शन भी है और उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई की भी भूमिका तैयार की जा रही है एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेडिकल स्टोर पर पहुंचे हैं एक्सरसाइज डिपार्टमेंट के अधिकारी और कार्रवाई उनकी ओर से की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और कोई अगर ज्यादा दामों में जरूरत की चीजों को बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो टोटल न्यूज पर एक्सक्लूसिवली आप ये विजुअल्स देख रहे हैं और फरीदाबाद की ये बड़ी खबर देख रहे हैं। एक्सरसाइज डिपार्टमेंट हरकत में आया है, बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि ऐसे समय में जब सरकार ने कहा है कि सभी जरूरत का सामान उचित दामों पर बेचा जाएगा, उस वक्त में भी ये एक्स्ट्रा दाम पर बेचा जा रहा है। हमारा जो काम का नाम के साथ, मेरा नाम गोल्डन जैन है, मैं ईसीओ हूँ और मेरे एचओडी ने ड्यूटी लगाई हुई है कि आप जाकर सारे पूरे फरीदाबाद को चेक करेंगे कि कौन जो ये है अपना किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, या ये कोई रेट हाई तो नहीं बेच रहा। अगर रेट हाई कर रहा है तो उसकी शिकायत मैंने अपने एचओडी को देनी है। मैं कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। मेरे एचओडी आगे डिप्टी सीएम साहब तक बात पहुंचाएंगे और वहां से जो कार्रवाई होगी। आज क्या मिला, क्या फाइंडिंग्स हुई आपकी आज? आज हम एक शॉप पर विजिट कर रहे थे तो वहाँ पर एक आदमी आया और उसने कहा कि जी ये जो मास्क है मुझे बहुत महंगा दे रहे हैं। तो हम उसके कहने पर हम आए हैं यहाँ पर, ये इस टाइम मेरे पास है। आइए आप, आइए। आपका नाम क्या? मेरा नाम रघुवत चंदेला है। रघुवत चंदेला है और इन्होंने क्या कहते जो है अपनी शिकायत हमने बताई और हम उसकी कार्रवाई पर। क्या शिकायत थी आपकी? मेरी ये इवन के सर यहीं घूम रहे थे, मतलब ये कितने रुपए का था? 50 रुपए का मिला मेरे को। तो चलो हमारे साथ चलते हैं। इन्होंने तो आपको पैसे वापस दिए? अब 15 रुपए वापस। तो विभाग ने मतलब आके अपना एक्शन लिया? हाँ जी, हाँ जी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हम नहीं, कोई ठीक है जी, चलिए ठीक है, थैंक यू।